हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आर्गन प्लेन क्या है। क्लियर? पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव हो, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है निगेटिव हो। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आओ पढ़ें। तो क्या हमारा जो है आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन जो है को आर्गन प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं? क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसलिए ही इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो आर्गन प्लेन में कहाँ है। तो इसलिए हम आर्गन प्लेन का नाम जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। ठीक है, तो क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या है आर्गन प्लेन? तो इसमें जो है टू लाइन्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट होती हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, ईच अदर एट राइट एंगल्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एज ए रियल एक्सिस ट्रीट करें, एज ए रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को एज ए इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट करें, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो प्लेन जो है ऑब्टेंड होता है वही प्लेन हमारा क्या कहलाता है? आर्गन प्लेन कहलाता है। क्लियर कि आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन में जो होता है दो जो है लाइंस होते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एज ए जो है हम रियल एक्सिस ट्रीट करें और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट करें, तो इससे जो प्लेन फॉर्म होता है उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन बोलते हैं। आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा रियल एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज कीजिए कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो रियल पार्ट है एक्स और जो इमेजिनरी पार्ट है वाई, उसको लेकर के जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो उससे जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स वाई बनेगा। क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है। किसी प्लेन में हम पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में तो एज ए ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो चूंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेकर के जो ऑर्डर्ड पेयर बना, तो ऑर्डर्ड पेयर से हमारा एक पॉइंट लोकेट होगा, और इस पॉइंट को अगर हम इस एक्सिस पे आर्गन प्लेन में रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस लेकर के जो हमारा प्लेन ऑब्टेंड हुआ है आर्गन प्लेन अगर इसमें हम लोकेट कर दें तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई से जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मिला, तो एक्स क्या है? हमारा रियल पार्ट है। वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट पे पार्ट को रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे और वाई इमेजिनरी पार्ट को पैरेलल टू वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो जो ये हमारा पी पॉइंट होगा यही एक्स वाई जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इजिक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को। सिमिलरली अगर कंजुगेट हमारा है तो कंजुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मिलता है कि जब हम आई को रिप्लेस करते हैं माइनस आई से
तो उस कंडीशन में हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कंजुगेट मिलता है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आई वाई है तो उसका कंजुगेट हमारा क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। तो इससे जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिलेगा। अगर इसको हम ऑर्गेंड प्लेन में दिखाएं तो हम एक्स जो है मूव करेंगे एलॉन्ग रियल एक्सिस, आफ्टर देन मूव एलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई डिस्टेंस हम जहां पे पहुंचते हैं ये हमारा जो क्यू पॉइंट है वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा। तो जो पी पॉइंट है, जो पी एक्स वाई है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और जो पॉइंट हमारा क्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, दैट मीन्स कंजुगेट ऑफ जेड है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जितना वाई डिस्टेंस जो है एबव है एक्स एक्सिस से, उतना ही हमारा वाई डिस्टेंस क्या है, बिलो है एक्स एक्सिस से। दैट मीन्स जो क्यू पॉइंट है वो पी का जो है मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज है। तो यहां से क्लियर है कि जो कॉन्जुगेट होता है, जो कॉन्जुगेट होता है जेड बार इज द मिरर इमेज ऑफ, मिरर इमेज ऑफ जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्लियर, क्लियर। ऑर्गन प्लेन क्या है, ऑर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। ऑर्गन प्लेन बोलो या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, इसमें होता क्या है कि हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रियल एक्सिस ट्रीट करते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट करते हैं। और जो हमारा प्लेन ऑब्टेंड होता है ऐसे, उस प्लेन को ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्लियर। कोऑर्डिनेट प्लेन और ऑर्गन प्लेन में क्या डिफरेंस है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है, या कार्टेशियन प्लेन कहें, कोऑर्डिनेट प्लेन कहें, टू डायमेंशनल स्पेस कहें, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो एक्स एक्सिस ट्रीट होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस ट्रीट होता है, ठीक है। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो जो प्लेन फॉर्म होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एज ए रियल एक्सिस ट्रीट करते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको एज ए इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट करते हैं। देन जो प्लेन हमारा फॉर्म होता है उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। किसी भी कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कॉन्जुगेट जो होता है मिरर इमेज होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर, क्लियर। तो हमारा जो है ये ऑर्गन प्लेन हो गया, क्या हो गया, ऑर्गन प्लेन, ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसको हमने रिप्रेजेंट किया, जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि कार्टेशियन फॉर्म में हो, जेड क्या हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो। कार्टेशियन फॉर्म मींस ऐसा जो जेड जिसमें जो है एक्स वाई प्रेजेंट हो, एक्स वाई प्रेजेंट हो, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और जिसमें आर और थीटा हो उसे पोलर फॉर्म कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। तो आइए जानते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि कार्टेशियन फॉर्म हमारा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसको जब हम ऑर्गन प्लेन में लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट हमारा जो है क्या मिल गया, p इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या मिल गया, p इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। p इज इक्वल टू पी एक्स वाई जो पॉइंट है यही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का ऑर्गन प्लेन में। सपोज करें कि OP जो डिस्टेंस है वो R है, OP क्या है, R है, ग्रेटर देन जीरो, और जो हमारा एंगल है OP लाइन का थीटा, थीटा एंगल है किससे, OS रियल एक्सिस से, किससे, रियल एक्सिस से। तो रियल एक्सिस से जो थीटा एंगल है उसको हम कहते हैं कि अगर OP मैक्स, OP मैक्स थीटा एंगल विथ रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, देन देन पी जो पॉइंट है, पी जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका, आर थीटा, क्या होगा, आर थीटा, ये आर है
और ये एंगल थीटा है रियल एक्सिस से, तो जो हमारा पी पॉइंट होगा वो क्या होगा, आर थीटा होगा। यही पी आर थीटा जो है क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, आर थीटा होता है। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आर थीटा के फॉर्म में हो तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म होता है जिसमें कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो। तो देखिए हमारा z क्या है, x प्लस आई वाई है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है z इक्वल टू x प्लस आई वाई को। तो x क्या होगा, x क्या होगा, x मींस ये r cos थीटा, एंड y क्या होगा, r sin थीटा। y क्या होगा, r sin थीटा। कैसे कैसे कैसे, तो हमारा जो है क्या होता है, ये सपोज कि ये बेस हुआ OM, OM इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बेस, तो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। उस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, r cos थीटा। ऐसे ही PM क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा से आपको y क्या मिलेगा, r sin थीटा। तो उस कंडीशन में जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म था z, उसका पोलर फॉर्म हो जाएगा r, x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू लिखेंगे, तो क्या मिल गया आपका, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर। तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा में जो r होता है, r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है। z इज इक्वल टू r cos थीटा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा में जो मॉडुलस ऑफ z है वो r होता है। और आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होता है थीटा। जो थीटा का वैल्यू होता है वही जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z का आर्गुमेंट कहलाता है, और जो r का वैल्यू होता है वही मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। कब, जब जो है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, पोलर फॉर्म में हो, ठीक है। जब कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में हमने बताया आपको कि मॉडुलस ऑफ z जो होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। और उस कंडीशन में जो अल्फा है, जो अल्फा है वो टैन इनवर्स मॉडुलस ऑफ, टैन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाई रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है। क्लियर क्लियर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का नाम क्या है, आर्गन प्लेन है। वो प्लेन कैसे फॉर्म होता है, दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेड एज रियल एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन एज इमेजिनरी एक्सिस, देन प्लेन फॉर्म्ड इज नोन एज आर्गन प्लेन आर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। और किसी भी कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। क्लियर। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं कि आर्गुमेंट जो होता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उस कंडीशन में आर्गुमेंट क्या होगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो उस समय हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उस समय आर्गुमेंट क्या होगा। सपोज कीजिए कि जेड जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जेड, आर्गन प्लेन है ये जिसमें ये रियल एक्सिस है, और क्या है ये इमेजिनरी एक्सिस। तो उस समय जब जेड हमारा जो है क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उस कंडीशन में जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उस कंडीशन में जो अल्फा का वैल्यू होगा वही हमारा आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। जब हमारा जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, तो उस समय हमारा जो है अगर ये अल्फा हो,
ये अल्फा हो तो आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा, क्या होता है पाई माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जो भी वो अल्फा का वैल्यू होता है वही आर्गुमेंट होता है अल्फा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो और ये अल्फा हो तो उस समय आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। अब हमारा जेड जो है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है जेड किस कहां पे है थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये अल्फा हो तो उस समय हमारा जो है थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। थीटा क्या होता है माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अल्फा का जो वैल्यू है, जो अल्फा का वैल्यू है उसको उसके जो है बेस पे हम जो आर्गुमेंट लिखेंगे वो क्वाड्रेंट जो है डिफाइन होने के बाद उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जो हमारा जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा के का ही वैल्यू जो है क्या कहलाता है आर्गुमेंट कहलाता है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा जो है आर्गुमेंट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। ऐसे ही अगर हमारा जो है जेड किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, आर्गेंड प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये रियल एक्सिस है और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जेड उस कंडीशन में ये अल्फा हो तो उस कंडीशन में हमारा आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट जो होता है वो क्या होता है या तो माइनस अल्फा होता है या टू पाई माइनस अल्फा होता है। क्लियर क्लियर। तो इस चीज को नोट कर लें, लर्न कर लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो है अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा का वैल्यू जो होता है पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का वैल्यू जो होता है वो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होता है या तो माइनस अल्फा या टू पाई माइनस अल्फा होता है। क्लियर। आर्गेंड प्लेन क्या है, आर्गेंड प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। आर्गेंड प्लेन क्या है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म है आपका जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है यहां पर आर्गुमेंट है और आर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन से इन सभी चीज सभी टर्म्स को बेहतर से जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि इसमें जो है कैसे जो है कब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जो है पोलर फॉर्म में चेंज करें। अगर कोई हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है कार्टेशियन फॉर्म में है उस कंडीशन में मॉडुलस क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, क्या करना है, हम कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। चलिए पोलर फॉर्म में इसको हम चेंज करें, कौन कौन से दिए हैं, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है माइनस वन माइनस आई, सेकेंड क्वेश्चन है वन माइनस आई, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट थ्री माइनस आई, फोर्थ क्वेश्चन है आपका अंडर रूट थ्री प्लस आई, फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका माइनस वन माइनस आई अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आपके हैं। अब इसमें ये और क्वेश्चन ले लें तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस आई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ले लें, जेड इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। ठीक है, चलिए एक एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, किसमें चेंज करते हैं,
पोलर फॉर्म में, एंड पोलर फॉर्म एंड फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ठीक है, हम क्या करें, इस क्वेश्चन में जो है हमने और बढ़ा लिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है और इसका मॉडुलस जो है और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक को करते हैं। हमारा जेड है माइनस वन माइनस आई। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो फर्स्ट स्टेज आपका है कि मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें। मॉडुलस ऑफ जेड जो है कैसे होता है, क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वही हमारा क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अंडर रूट टू मिल गया। इस जो है जो मॉडुलस मिलता है इसी से हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा गिवेन है माइनस वन माइनस आई, इसमें जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, अंडर रूट टू से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर, क्लियर। तो ये आपका हो गया जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन बाई अंडर रूट टू माइनस आई बाई अंडर रूट टू। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मिल गया माइनस वन बाई अंडर रूट टू माइनस आई बाई अंडर रूट टू। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमारा जो है क्या है, अब हम निकालेंगे इसका अल्फा। क्या निकालेंगे, अल्फा। सेकेंड स्टेप में हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि अल्फा जो होता है वो टैन इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी जेड कितना है आपका, टैन इनवर्स इमेजिनरी कितना है, माइनस वन है, कितना है, माइनस वन बाई माइनस वन। क्या मिला आपको, टैन इनवर्स वन, टैन इनवर्स वन मीन्स पाई बाई फोर। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया पाई बाई फोर। तो फर्स्ट स्टेप में मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें। ठीक है, सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट जो है अल्फा कैलकुलेट करें। सबसे पहला जो है क्या करें, अल्फा कैलकुलेट करें। अल्फा मिल गया, मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया, मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया। अब क्या करें कि अब जो हमारा जेड है जो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो आर्डर पेयर है उसको लिखें। तो रियल पार्ट माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट माइनस वन। अब ये पॉइंट जो है आर्गेंड प्लेन में कहां पड़ेगा, लाइज ऑन माइनस माइनस है, किसमें पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। क्लियर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्गुमेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस पाई माइनस अल्फा, क्या होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो माइनस पाई माइनस अल्फा पाई बाई फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई बाई फोर। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेज है आपका, फर्स्ट स्टेप है कि हम मॉडुलस कैलकुलेट करें अंडर रूट टू, सेकेंड है अल्फा कैलकुलेट करें, और देखें थर्ड में कि जेड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से जो आर्डर पेयर से जो पॉइंट मिल रहा है आपका माइनस वन माइनस वन, ये किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम आर्गुमेंट लिख लें। अगर फर्स्ट में है तो अल्फा ही हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा आर्गुमेंट होगा, थर्ड में है तो माइनस पाई माइनस अल्फा आर्गुमेंट होगा, और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा या टू पाई माइनस अल्फा आर्गुमेंट होगा। क्लियर, तो चूंकि ये थर्ड में था तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, माइनस पाई माइनस अल्फा, तो माइनस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, अब हमारा जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर फॉर्म में होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पे आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना था, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट कितना है, माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर, तो क्या मिल गया आपका, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा,
और साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो गया अंडर रूट टू कॉस 3π/4 माइनस आई साइन 3π/4। क्लियर, जहां पे आर्गुमेंट आपका माइनस 3π/4 और मॉडुलस जो है अंडर रूट टू होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका कि जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। नेक्स्ट क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिला आपको, अंडर रूट टू। सेकेंड स्टेप क्या है, अल्फा कैलकुलेट करें, तो अल्फा क्या होता है, टैन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड। तो टैन इनवर्स इमेजिनरी जेड क्या है, यहां पे आई के साथ जो है माइनस वन और रियल पार्ट क्या है वन, क्या आ गया आपका टैन इनवर्स वन, क्योंकि मॉड लगा हुआ है दैट मीन्स पॉजिटिव, तो माइनस वन का मॉड क्या होगा वन होगा। टेन प्लस वन कितना हो गया आपका पाई बाई फोर। तो आर्गुमेंट क्या होता है आपका, आर्गुमेंट होता है कि किस क्वाड्रेंट में हमारा जेड लाई कर रहा है। तो चलिए पहले जो है थर्ड स्टेप आपका क्या है कि उसका जो है जेड देखें कि किस क्वाड्रेंट में है। जेड जो है क्या है, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का ऑर्डर पेयर है वही आर्गुमेंट प्लेन में जेड है। तो जेड वन माइनस वन किस में लाई करेगा, लाइज ऑन किस में लाई करेगा, वन माइनस वन फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस कंडीशन में हमारा आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड या तो माइनस अल्फा दैट मीन्स माइनस पाई बाई फोर या टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो या तो आपका माइनस फोर होगा या 7π/4। ठीक है, तो हमारा जो है आर्गुमेंट ये हो गया। तो उस कंडीशन में अब हमको क्या करना है, जेड लिखना है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। होता क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस कितना है अंडर रूट टू है, तो ये आपका अंडर रूट टू हो गया। और थीटा आर्गुमेंट है, तो थीटा या तो माइनस पाई बाई फोर लिखें या 7π/4 लिखें। चलिए एक एक करके लिखते हैं। तो माइनस पाई बाई फोर हमने लिख दिया, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टू कास माइनस थीटा, कास थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है पोलर फॉर्म हो गया, या जेड इज इक्वल टू आर क्या था अंडर रूट टू, थीटा क्या था 7π/4 प्लस आई 7π/4। क्लियर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म अंडर रूट टू कास पाई बाई फोर माइनस आई साइन पाई बाई फोर या अंडर रूट टू कास 7π/4 प्लस आई 7π/4। क्लियर, नोट कर ले। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कार्टेशियन फॉर्म में उसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आपका दो क्वेश्चन हो गया। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है कि अंडर रूट थ्री माइनस आई। तो अंडर रूट थ्री माइनस आई में रियल पार्ट क्या है आपका अंडर रूट थ्री है और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वन है। तो इसमें मॉडुलस ऑफ जेड पहले कैलकुलेट करेंगे, तो अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, टू। कितना मिल गया, टू। अब क्या करेंगे कैलकुलेट, अल्फा। अल्फा क्या होता है, टैन इनवर्स इमेजिनरी जेड बाई रियल जेड मॉड, मॉडुलस मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो वन बाई अंडर रूट थ्री टैन में कितने का वैल्यू होता है, टैन थर्टी का होता है। टैन थर्टी मीन्स पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स पाई बाई सिक्स। अब हमारा जो है जेड देखें कि उसका आर्डर पेयर जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो अंडर रूट थ्री माइनस वन, अंडर रूट थ्री माइनस वन किस में पड़ेगा, ये अंडर रूट थ्री माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो इसमें हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट होगा या तो माइनस अल्फा
या 2 पाई माइनस अल्फा, क्लियर। तो माइनस पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप मॉडुलस ऑफ जेड, सेकेंड अल्फा कैलकुलेट करें, आफ्टर देन जो हम देख लें कि जेड का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो ऑर्गन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से हम आर्गुमेंट लिख लेंगे, और आर्गुमेंट लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड 2। थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या है 2 है, तो एक एक करके लिखे, कॉस पाई बाई सिक्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो या तो जेड ये हो गया एक पोलर फॉर्म में, या जेड इज इक्वल टू मॉडुलस 2 और आर्गुमेंट क्या था आपका 11 पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन 11 पाई बाई सिक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू अंडर 3 माइनस आई का पोलर फॉर्म या तो ये होगा या ये होगा, क्लियर। क्लियर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे जो है हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं पोलर फॉर्म में, और उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस आई क्या है, इसमें अंडर रूट 3 प्लस आई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आई, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या मिला आपका 3 प्लस 1 2। आफ्टर देन क्या करें, अल्फा कैलकुलेट करें, अल्फा का वैल्यू क्या होता है टैन इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड बाय रियल ऑफ जेड, यही होता है। तो टैन इनवर्स क्या है आपका इमेजिनरी जेड 1 है, ये अंडर रूट 3, तो इसका वैल्यू कितना होगा टैन 30 का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3 पाई बाई 6। तो आर्गुमेंट क्या हो गया आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, आर्गुमेंट कैसे कैसे क्लियर करते हैं कि हमारा जेड कहां पे लाई हो रहा है, तो जेड जो है अंडर पेयर किसका बना है अंडर रूट 3 1 है, अंडर रूट 3 1 है, तो अंडर रूट 3 1 किस में होगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में लाई करेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा ही होता है, अल्फा मीन्स पाई बाई सिक्स, क्लियर। क्लियर जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फा तो आर्गुमेंट क्या होगा अल्फा के बराबर होगा, तो अब जो है जेड हमारा क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जेड इज इक्वल टू आर क्या है आपका 2 है, और आर्गुमेंट थीटा क्या है पाई बाई सिक्स है, क्लियर। तो अंडर रूट 3 प्लस आई का पोलर फॉर्म हो गया 2 कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, वेयर 2 इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा पाई बाई सिक्स इज आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। क्लियर चलिए अब जो है नेक्स्ट है आपका कि जेड इज इक्वल टू माइनस 1, जेड इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए इसका क्या करें, मॉडुलस ऑफ जेड देखें कितना हो रहा है, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कितने मिल गया आपको 2। फिर हम क्या करेंगे अल्फा कैलकुलेट करें, तो अल्फा क्या होता है टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट मीन्स माइनस अंडर रूट 3 बाई रियल पार्ट, क्या मिल गया आपको टैन इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 टैन में कितने का वैल्यू होता है टैन 60 का वैल्यू होता है, टैन 60 मीन्स पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब आर्गुमेंट हमको डिफाइन करना है, देखेंगे जेड कहाँ लाई कर रहा है, तो जेड के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उससे जो ऑर्डर पेयर है कितना है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किस में पड़ेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो माइनस पाई माइनस अल्फा होता है, तो माइनस पाई बाई 3,
दैट इज इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री। क्लियर। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पोलर फॉर्म होता है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें आर हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ जेड है तो टू हो गया आपका, और थीटा क्या है आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट कितना गया माइनस टू पाई बाई थ्री, माइनस टू पाई बाई थ्री। तो ये आपका मिल गया कि जेड इज इक्वल टू टू कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई अंडर रूट थ्री का पोलर फॉर्म हो गया टू कॉस टू पाई बाई थ्री माइनस आई साइन टू पाई बाई थ्री। क्लियर क्लियर। जिसमें आर्गुमेंट आपका होता है टू पाई बाई थ्री हो गया, माइनस टू पाई बाई थ्री और मॉडुलस क्या हो गया टू हो गया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका कि वन प्लस आई का जो कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आई है उसको हम किस में चेंज करें, पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो चलिए जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा अंडर रूट टू। क्लियर। अब जो है सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, अल्फा कैलकुलेट करें। तो अल्फा क्या होता है टैन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, तो टैन इनवर्स वन मीन्स पाई बाई फोर। थर्ड स्टेप क्या है कि हम जेड देखें कि जेड जो है का आर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में है, तो वन वन किस में है, ये लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है, अल्फा के बराबर ही होता है, दैट मीन्स पाई बाई फोर। क्लियर। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, आर मीन्स मॉडुलस ऑफ आर जेड, तो अंडर रूट टू, और थीटा मीन्स आर्गुमेंट। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वन प्लस आई उसका जो है पोलर फॉर्म हो गया अंडर रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर। क्लियर क्लियर। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन और है उसको देखें, उसको जो है पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो जेड इज इक्वल टू आई माइनस वन, जेड इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी में नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चन जो है ए प्लस आई बी के फॉर्म में थे, लेकिन ये जो जेड है वो ए प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आई माइनस वन कॉस पाई बाई थ्री मीन्स सिक्सटी, कॉस सिक्सटी मीन्स वन बाई टू प्लस आई साइन सिक्सटी अंडर थ्री बाई टू। तो क्या हो जाएगा आपका ये आई माइनस वन टू वन प्लस अंडर रूट थ्री आई। ठीक है। अब इसे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि किसकी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर में आई जो है क्या हो जाए फिनिश्ड हो जाए, समाप्त हो जाए, आई ना रहे। तो चलिए हम जो है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वन माइनस अंडर रूट थ्री आई से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपका टू, इसमें मल्टीप्लाई करें तो आई माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री आई बाई वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री आई का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपका यहां देखें, तो जेड इज इक्वल टू टू आई माइनस वन आई स्क्वायर को रिप्लेस करें माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री आई बाई वन माइनस थ्री आई स्क्वायर। ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू टू आई प्लस अंडर रूट थ्री माइनस वन
प्लस अंडर रूट थ्री आई बाई वन प्लस थ्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर होगा, तो टू टू जब फोर मिल गया आपका अंडर रूट थ्री माइनस वन बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई टू आई। क्लियर? तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई कास पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो मिल गया आपका जेड इज इक्वल टू अंडर थ्री माइनस वन बाई टू प्लस अंडर थ्री प्लस वन बाई टू आई। क्लियर? तो जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया तो अब इसको जैसे हम पीछे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या था आपका कि मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करें। क्या करें? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड होता क्या है? रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री बाई फोर प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू अंडर रूट थ्री बाई फोर, कैंसिल हो जाएगा टू अंडर रूट थ्री। ठीक, क्या मिलेगा? फोर फोर एट बाई फोर अंडर रूट टू। क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट टू। अब क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा। नोट कर लें, अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैलकुलेट करें हम। अल्फा क्या होगा? अल्फा जो होता है टैन इनवर्स, अल्फा क्या होता है? टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मीन्स अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई टू, और रियल पार्ट क्या होता है आपका, इसमें क्या है? अंडर थ्री माइनस वन बाई टू। तो क्या मिल गया आपका? टैन इनवर्स अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, ये कितने का वैल्यू होता है? टैन सेवेंटी फाइव का वैल्यू होता है। कितने का वैल्यू होता है? टैन सेवेंटी फाइव। टैन सेवेंटी फाइव इजकल टू अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री माइनस वन। ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारा जो है ये टैन सेवेंटी फाइव अक्सर जो है क्वेश्चन में इसका अप्लीकेशन है, तो इसको लर्न करें कि टैन सेवेंटी फाइव का वैल्यू जो होता है, टैन सेवेंटी फाइव का जो वैल्यू होता है अंडर रूट थ्री प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री माइनस वन होता है। ठीक है, और इसको जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो फाइव पाई बाई क्या होगा? ट्वेल्व होगा। तो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड हो गया, क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब हमें क्या करना है? जेड देखना है कि जेड का जो आर्डर पेयर बन रहा है रियल और इमेजिनरी का, वो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट में है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? अल्फा के बराबर होता है। क्या होता है? अल्फा के बराबर होता है। अल्फा कितना आया है? फाइव पाई बाई ट्वेल्व है। फाइव पाई बाई ट्वेल्व है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जेड इज इक्वल टू आर। आर मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड। आर मीन्स अंडर रूट टू। कॉस थीटा मीन्स आर्गुमेंट फाइव पाई बाई ट्वेल्व। आई साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व। तो जो हमारा गिवन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक, उसका जो है हम पोलर फॉर्म होगा कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस आई साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर थ्री माइनस वन बाई टू प्लस अंडर थ्री प्लस वन बाई टू आई। और गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर था आई माइनस वन बाई कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज किया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको हम जैसे जो है जो स्टेप था हमारा पोलर फॉर्म चेंज करने का वही अप्लाई किया, तो हमारा जो है ये पोलर फॉर्म मिल गया अंडर टू कॉस फाइव पाई ट्वेल्व प्लस आई साइन फाइव पाई ट्वेल्व। क्लियर? क्लियर? तो ऐसे जो है हम किसी कार्टेशियन फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसे पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। पोलर फॉर्म को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, और उसे आर्गुमेंट मॉडुलस फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? चलिए इसको देख लेते हैं कि हम जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है उस पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और आर्गुमेंट मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म हमारा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पोलर फॉर्म होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन कॉस, ठीक, वो प्रेजेंट हैं, इसलिए इस पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि इसे मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, तो तुरंत देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो चूंकि पोलर फॉर्म में जो है हम जो लिखते हैं पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जो है मॉडुलस और आर्गुमेंट के ही फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए पोलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, क्लियर। तो पोलर फॉर्म को हम और भी दो नामों से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, क्लियर क्लियर। चलिए लास्ट में एक जो है क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ही इसमें क्लियर हो जाएगा कि जब किसी कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो दिया है कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उसको हम कैसे जो है पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई फाइव ऐसे दिया है, जेड जेड फाइव है, जेड क्या है, फाइव है, दैट मींस रियल नंबर है। हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि किसी भी रियल नंबर्स को हम एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको भी लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू आई, ठीक है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, फाइव हो गया, y क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म चेंज करने के लिए मॉडुलस ऑफ z लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, मिल गया आपका फाइव। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, अल्फा, अल्फा क्या होता है, टैन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, टैन इनवर्स जीरो, टैन बाई जीरो मीन्स जीरो, क्या होता है, जीरो। अब जो है हमारा z पॉइंट देखेंगे कि आर्डर पेयर से जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉइंट है वो आर्गेंट प्लेन में किस क्वाड्रेंट में है, तो 5 0 5 0 किस पे होगा, 5 0 जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, किस पे पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, किन डायरेक्शन में पड़ेगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। हमारा जो 5 0 है वो किस पे पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। उस समय जो आर्गुमेंट होता है वो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, उस कंडीशन में आर्गुमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा जो पोलर फॉर्म में जेड होगा, तो जो पोलर फॉर्म में जेड क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू 5 cos 0 प्लस आई साइन 0, क्लियर क्लियर। तो हमारा जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर हमारा जेड लाई कर रहा हो उस कंडीशन में आर्गुमेंट जीरो होता है। अगर निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में हमारा जेड हो उस कंडीशन में जो आर्गुमेंट होता है वो पाई होता है। मतलब जो है क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर एक्स एक्सिस पर हमारा जेड हो इस डायरेक्शन में तो आर्गुमेंट जो होगा वो जीरो होगा। जब इस डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उस समय आर्गुमेंट क्या होगा, पाई होगा। जब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो उस कंडीशन में जब एबव एक्स एक्सिस हो तो आर्गुमेंट पाई बाई टू होगा, और जब बिलो एक्स एक्सिस हो तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाई टू होगा, क्लियर। इस चीज को दिमाग में बैठाएं, इस चीज को भी दिमाग में बैठाएं कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा जेड तो आर्गुमेंट जो है जीरो होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो आर्गुमेंट पाई होगा, वाई एक्सिस पे एबव एक्स एक्सिस होगा तो पाई बाई टू होगा, और बिलो एक्स एक्सिस होगा तो माइनस पाई बाई टू होगा, क्लियर क्लियर। तो ऐसे जो है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं।
और उसका जो है आर्गुमेंट आर होता है, और आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा होता है, और मॉडुलस क्या होता है आर होता है। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्गन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने जाना, ठीक है, आर्गुमेंट देखा कैसे चेंज करते हैं, उस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी किया और उसको सीख भी गए, समझ भी गए कि हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बचे हुए नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।